हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स एंड मोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में केला खाना चाहिए या नहीं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, केला किस महीने से खाना शुरू करना चाहिए और कौन से महीने में नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आते रहे। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से फल और सब्जियां खानी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इस दौरान मानसिक और शारीरिक कई परिवर्तन होते हैं। ऐसे में अगर आप केला अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। हर दूसरी तीसरी प्रेग्नेंट महिला में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, मतली की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी महिलाओं को उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर महिलाओं को उल्टी होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है और मतली की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर हम केला लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिल सकती है, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी आपकी, मॉर्निंग सिकनेस आपकी कम होगी, आपको मतली आना कम होगी, उल्टी आना कम होगी, क्योंकि केले में विटामिन बी और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है, जिससे ये आपकी मॉर्निंग सिकनेस को कम करेगा, मतली को कम करेगा और आपको आराम देगा और आपको अंदर से पोषण देगा। तो केला आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। प्रेगनेंसी में अक्सर आयरन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हम सिर्फ एक शरीर को नहीं पाल रहे होते, साथ ही साथ हम दूसरी एक नन्ही सी जान को भी पाल रहे होते हैं। तो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे में टैबलेट्स तो लेने ही लेने होते हैं, क्योंकि 100 टैबलेट तो कम्प्लीट करने होते हैं। साथ ही हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे कि आयरन की कमी दूर हो और पूर्ण रूप से आयरन हमें मिले और बच्चे को भी मिले, जिससे कि अच्छी ग्रोथ बने बच्चे की और जिसे कमजोरी भी बिल्कुल नहीं लगती। तो ऐसे में आप केला खाते हैं तो आपको आयरन भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप अपने डाइट में एक केला या दो केला ले सकते हैं, जिससे कि आपको डेली आयरन मिलता रहे। फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के विकास के लिए और गर्भवती महिला के लिए भी, दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी डॉक्टर फर्स्ट मंथ से ही देना शुरू कर देते हैं। तो वो फर्स्ट मंथ से ही रिकमेंड कर देते हैं कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड खाना चाहिए और 3 महीने तक लगातार इसकी टैबलेट्स चलती है। साथ ही साथ आपको ऐसे फ्रूट्स भी खाने हैं जिससे कि आपको फॉलिक एसिड पूर्ण मात्रा में मिले, भरपूर मात्रा में मिले, जिससे कि बच्चे का विकास अच्छा हो और बच्चा अच्छे से विकास करे, ग्रोथ करे। तो पाचन की भी एक समस्या प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो अगर अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है, खाना अच्छे से पाचन नहीं होगा, अच्छे से पचेगा नहीं, तो ऐसे में पेट साफ नहीं होगा, गैस होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेट की शुरू हो जाती है, जिससे कि उल्टी आना और खाना ठीक से ना खाया जाना, भूख ना लगना, ये सब हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप 2 केले या 3 केले, दिन का 1 केला भी अगर आप डेली लेते हैं, तो इससे आपको ये सब प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा और बहुत अच्छे से आपका पेट साफ होगा, गैस नहीं होगी और साथ ही साथ आपकी भूख भी बढ़ेगी और उल्टी वगैरह होना भी कम हो जाएगा। केले में विटामिन B6, आयरन और फॉलिक एसिड सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो कि बच्चे के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी आवश्यक भी होते हैं। तो केला एक पोषक तत्व है जो कि बच्चे के मस्तिष्क के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये इस तरह के विकास के लिए आप केला ले सकते हैं। और केला रक्तचाप को स्थिर करने में काफ़ी मदद करता है। केले में पोटेशियम की उच्च मात्रा में होता है। पोटेशियम शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, जिसका उपयोग हमारा शरीर स्वस्थ रक्तचाप को बनाए रखने के लिए करता है। नियमित रूप से केला खाने से गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है, उसमें अधिक उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिल सकती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है तो आप 1 से 2 केले ले सकते हैं दिन में। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप केले का कम यूज करेंगे।
तो एक स्वस्थ शरीर के लिए केला काफ़ी हेल्पफुल होता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आप केला खाने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है, थायराइड वगैरह ये सब है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पता करें कि आप केला खाएं कि नहीं खाएं। और बाकी स्वस्थ शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है और बेबीज के लिए तो काफ़ी अच्छा है उनकी ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे फॉलो करिए और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।